गाइस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ आज। अस्सलाम वालेकुम। तो और भी है अपने साथ में, आज फुल हम लोग है ना साथ में, थोड़ा सा टाइम साथ में निकाल लिए। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किधर है अम्मी? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्र अदा करूंगा कि मैंने नया कैमरा ले लिया है। तो कब से तुम लोग ये चीज़ का कमेंट कर रहे थे, भाई वीडियो क्वालिटी का कुछ करो, क्योंकि मेरे गोप्रो लिया था एक कंफर्टेबल के हिसाब से, और इसने मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया। इतना कंफर्टेबल था कि बच्चे भी इसको लेके ब्लॉग बनाते थे। हाँ, ये अभी भी ये कैमरा लेने के टाइम पे भी बोला कि गोप्रो की बात अलग है। गोप्रो मतलब कैसा है ना, ऐसा हो गया ना कि उसको इजीली हैंडल करो, जेब में रखो, बारिश आए, गिरे, डस्ट हो, कुछ भी हो, रफ एंड टफ एक मोबाइल के जैसा। और दूसरी खास बात यह कि मोबाइल के जैसा इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती, तो और एक्स्ट्रा बैटरी लेके चल सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे थे जिसकी वजह से मैं इससे कंटिन्यू कर रहा था। 2 साल हो गए थे ना, है ना, 2 तीसरी बारी से ये जब ये खरीदे थे, बराबर ना, इसको ओपन करते साथ पानी के डब्बे में डाल के चेक करने के लिए थोड़ी होएगा वो, अभी मेरा यूसुफ बनाएगा उससे। नहीं, ये आउटडोर के लिए वैसे भी रखने वाला हो, यूसुफ भी बनाएगा इंशाल्लाह, बनाएगा ना भाई, क्योंकि ये कैमरा खराब नहीं हुआ है अभी भी, कैमरा अच्छा है, लेकिन वो जो घर के अंदर जो क्वालिटी इसकी ना थोड़ी सी ब्लैक आती है, इसके वजह से उसने नया लाया है। बाहर के लिए अभी भी बहुत अच्छा है। कैसे दिख रहे हैं मोबाइल बता, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी ना मानता हूँ डार्क आती है, लेकिन ना जिधर पे लाइट रहती है ना इसकी क्वालिटी मोबाइल से तो बहुत आला है, लेकिन फिर भी क्या करें, अभी आप लोगों की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, है क्या नहीं। तो मैंने लास्ट वीडियो से बहुत कमेंट आ रहे थे, ये अजमेर के ट्रिप में ना सही बोलूँ ना, मेरे को खुद को ऐसा रियलाइज हुआ ना कि यार क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। अच्छा, तूने एक नया ले लिया कैमरा, है ना, तो आप हाँ, ये ना हम लोग ने कल लिए और लेने के टाइम पे ब्लॉग नहीं बनाया। जितना पैची मिलेगी तो लेकर आना प्लीज। हाँ, यही तो थी, तो कल हम लोग ने ना साथ में गए थे रियाजों में, लेकिन ना कल वहाँ पर शूट नहीं कर पाए, एकदम अचानक में प्लान बना ना, प्लान भी अचानक में बना और ये डिसाइड नहीं था कि लेने का है कि नहीं लेने का। हम लोग पहुँचे थे तो हाँ खाली देखने के लिए, क्योंकि ना कुछ ढूंढ रहा था मैं और वो वहाँ पर अवेलेबल था पूरे मुंबई में एक जगह पे, तो पहुँचा मैं वहाँ पर तो ले लिए, इसलिए ब्लॉग नहीं बना क्योंकि ब्लॉग के हिसाब से गए नहीं थे। फिर बारिश हो रही थी तो उसकी पैकिंग भी वैसी है, अभी पूरा पैक वैक करके लेकर आए हम लोग। आ जा, आगे आ जाओ, हमें आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। हाँ, लास्ट टाइम पे हम लोग ने ना रियाज भाई का जो कैमरा लिया था ना DSLR, उसकी भी अनबॉक्सिंग किए थे रियाज और मैं बैठ के, और ये उससे डबल प्राइस का है, यानी कि अब तक के अपने घर का सबसे महंगा। वो भी कैमरा अच्छा लिया था बेटा, आज तक चल रहा है हमारे चैनल पे, 5 से 6 साल हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे हमारे प्रयास, तू जब लेने जाएगा तेरे को कुछ नया ही मिलेगा। और मैंने लिया था कैमरा, हाँ, मेरे बाहर के शूट के लिए, स्ट्रीट फूड जायका के लिए। कॉन्फिडेंट मिलता भाई ये सब चीजों से, डर रहा था अभी रियाज है ना, 50 जगह जा रहा था, 40 जन से पूछ रहा था कि भाई वीडियो बनाओ या नहीं बनाओ, मेरा यूट्यूब चैनल है ऐसा ऐसा। तो उसके बाद है ना, जब इतनी सारी बातें हो जाए, डिस्कस हो जाए, सामने वाला परमिशन देते और ऐसा जेब से मोबाइल निकाले ना, तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, मजा खराब हो जाएगा। उसमें भी आईफोन नहीं था, वो वीवो था, वीवो। हाँ, तो फिर उसके बाद ऐसा था नहीं कि यार कैमरा ले लेना, थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी है। 50 जगह सामने से पूछने होटलों में, मैं को यहाँ शूट करने मिल सकता है क्या? आज अल्लाह मिला मुझे आते 50 होटलों से कि भाई आ जाओ ना भाई, शूट कर लो यार, आ जाओ ना भाई, यहाँ कर लो ना, वहाँ कर लो ना। जिंदगी में स्ट्रगल करना बहुत जरूरी होती है, उससे अहमियत मालूम पड़ती है। पर सच्ची बताऊँ, अब ना बहुत उस टाइम पे इतना नॉर्मल नहीं था कि लोगों को आदत थी मोबाइल से, बट अब लोगों को आदत हो गई है। अवेयरनेस आ गई है ना, हम लोग बात कर रहे हैं आज से 4 साल पहले की, अवेयरनेस नहीं थी यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बोल रहा है तू, ऐसा हो जाता सबके। ये थैली में इसलिए है क्योंकि हम लोग ना बारिश के टाइम पे लेकर आए, ये भी बड़ा रिस्क था, कैमरा लेने निकले है और लेकर भी आ रहे हैं और बारिश में लेकर आ रहे हैं। हैप्पी ओपनिंग कैमरा। गाइस, ये जो इंडोर के ले लिया हूँ खास, आउटडोर में मैं गोप्रो ही यूज करूंगा, फिर से मैं बता दूँ, इंडोर के लिए घर में यूज कर रही हूँ,
ठीक है, यहाँ से आप लोगों को क्वालिटी घर वाले जो वीडियोस मिलेंगे ना, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, DIYs करते हैं, गेम खेलते हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। ये मेमोरी कार्ड, अरे बाप रे पानी है, दर्द पानी से तो बचाने का क्या, चार्जर, बैटरी, चार्जर केबल, ये बेल्ट अपना, कैमरा बेल्ट, देखो कैमरे का नाम लिखा है हर टाइम। रियाज ने तो आज तक एक लेंस को यूज भी नहीं किया है, इसलिए मैंने दूसरी लेंस नहीं लिया। नहीं लिया मैंने, एक लेंस आते ना मैंने मना कर दिया, मतलब नहीं चाहिए। सिंगल लेंस अच्छा पूरे 5 साल निकाला है, जबकि इतनी महंगी है सेकंड वाली भी, लेकिन फिर भी उसको आज तक यूज नहीं किया, ऐसी पड़ी है। हां मेरी छोटी, रुको 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 रुको, हाँ यीशु ये वाले को ना थोड़ा भाई ज्यादा ध्यान रखने का, क्योंकि गोप्रो अपना कैसा है मालूम, गिरता पड़ता तो भी वो सही रहता है, वो चलता है, एक बार गिरा तो काम 25। इसका ना जरा वो तो मम्मो लेके घूमते हैं आजकल, गोप्रो मम्मो का खिलौना है, लेके आता है इनको देता है। मेरे को ना कैमरे पे भरोसा है कि इसका कुछ टेंशन नहीं है, इसलिए मैं बच्चे लोग के हाथ में ना एकदम इजी ले देता हूँ। ये क्या है, अच्छा ये बॉक्स है, कैमरा वैमरा, बैग है, कैमरे की लेंस बहुत एनवेलप किधर है, एनवेलप दो लेंस आती है इसमें, दो लेंस आती है, दो लेंस आती है, तो संभालना भी बहुत पड़ता है, रियाज भी बार बार करते रहता है, इतनी छोटी लेंस है, रियाज तो एक्सपर्ट हो गया ना, अब उसको आदत हो गई ना, लेकिन तो बिस्मिल्लाह उल्टी नहीं रे, कुछ भी मत बोल, तो ये आवाज आती ना खट्ट करके, मतलब लगा कितना कुछ जोड़ना पड़ता है ना, ये हर बार ही जोड़ना पड़ेगा, ये स्टार्टिंग का है, बैटरी निकाल के रखना पड़ता है, और मेमोरी कार्ड भी डालना है, ये कैमरे के साथ पर्टिकुलर यही खरीदना है या फिर अपना अपनी मर्जी कुछ भी, क्या मेमोरी, नहीं मेमोरी अलग अलग बहुत किस्म की आती है, अपने को अपने हिसाब से लेना पड़ता है, 2 GB वाली खाना भी बहुत संभाल के पड़ता है, पता है खाली क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी ना खाली अच्छे कैमरे से नहीं आती, अच्छे कैमरे के साथ अच्छी लेंस रहना चाहिए, अच्छा मेमोरी रहना चाहिए, अच्छी लाइटिंग रहना चाहिए, और अच्छा कैमरामैन भी रहना चाहिए। अभी इसके साथ मेमोरी ये क्या जीरो वगैरह का ऐसा इसमें भी रहता है क्या कुछ, जैसा मोबाइल नहीं नहीं सिम कार्ड ये पता है कब से लेना था इनको, कब से देखो अभी अच्छे से देखो, शायद इसमें अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है शुरू करते हैं। उस तरफ से आते हैं स्क्रीन लेने के लिए, ये पहला कैमरा चालू अपना, ठीक है, और ये ऐसा रहेगा, ओह अच्छा वो टर्न होता है, आप क्वालिटी अच्छा है कि ना, मैं देखो मैं यहाँ से कैमरे की रिकॉर्डिंग भी चालू कर दूँ, और ये रियाज भाई ठीक है, अभी तुम लोगों को क्वालिटी का फर्क मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो में चलाने वाला एक ही व्लॉग भी दिख रहे हैं ना, हम उसमें नहीं दिखते, उसमें सिर्फ शैडो दिखता है, ये भी हम लोग का, ठीक है, अभी ये थोड़ा मुझे ये करना पड़ेगा, बेकार ये आदमी बहुत बेकार है, क्वालिटी कैसी लग रही है, ठीक है बढ़िया, लोग तुम लोग कमेंट करके बताना, वीडियो में देखेंगे ना तो बताना कि क्वालिटी कैसे लग रही है, मेरे बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए दुआ करो, दोनों बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत ये वेना के थोड़ा ये छोटा है जो
हाँ तुम्हारा वाला बड़ा है, ये बना ही कैमरा कॉम्पैक्ट साइज का, इससे भी छोटे छोटे कैमरा आ गए, ठीक है। अभी यहाँ पर है अपने पास, मैंने ना इसके लिए ये ऐसा नहीं पकड़ूंगा, ये वाला ऐसा नहीं पकड़ूंगा कैमरा, इसके लिए मैंने मंगाया हूँ ट्राइपॉड, ठीक है। रुको, कैमरे की भी अपनी एक आवृत्ति है ना, दुनिया है अपनी, ये पहले ऐसा बड़ा बड़ा आया था, वो स्टैंडिंग रहा, ऐसा खड़े थे पूरी फैमिली बैठती थी और फोटो खींचते थे, पर्दा लगा रहता था, पर्दा पर्दा लगा रहता था, और वो कैमरा मेरे से मुंह डालता था स्माइल, फिर हम लोग के मोहल्ले में घूमता था कैमरा वाला, साल में एक बार अभी रुका के हम लोग की फोटो भी लेते थे। ये हो गया अपना सेटअप तैयार, सबके सब दिख भी रहे हैं। और बैक कैमरा करना रहेगा तो ये फ्रंट और बैक, बैक ऐसा देख इसमें से भी दिखता है मेरे को, फ्रंट फ्रंट के यही, अबे यही एक ही लेंस है इसमें, सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे करना है, ये वाला ही सीन है। हां तो फिर हां ये वाला ही सीन है, आगे तीन लोगों को सिखाना पड़ेगा। हां कैमरा जैसे भी उसने पकड़ी है ये भी पकड़ना पड़ेगा। सच्ची बताओ अरे अभी फर्क आएगा ना भाई, तुम लोग जो लोग टीवी पे देखते हैं हमारे ब्लॉग, मुबारक हो, अब से मजा आने वाला है। लेकिन गोप्रो की बुराई नहीं कर रहे हम लोग, गोप्रो अच्छा है बाहर के लिए, वाकई में बहुत अच्छा है, सनलाइट के लिए लेके घूम भी नहीं सकता भाई, ये देखो अभी ये तुम लोगों को थोड़ा सा बाहर व्यू दे दूं मैं, ये तो तुम लोगों को देते ही रहता हूँ मैं, ठीक है। हाँ 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 तो ये सब अपना पसारा साफ कर नहीं रे भाई, अभी ये बैग में जाएगा, अभी ये बैग और ये खाली, ये रेडी हो जाएगा, ये है ना, हाँ ठीक है। यूसुफ भाई मेहरबानी करके इससे थोड़ा दूर रहना, ठीक है। आप ये उठा सकते हो, ये नहीं उठा, हाँ होता है ना, हाँ बेटा अच्छा लगा तुझे, मस्त एकदम, अब पार्टी। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, महंगा कैमरा कर रहा है, महंगा कैमरा है अभी। एक बात बताओ तो तुम लोग ही ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले हैं इसके अंदर, हम लोग तेरे का बाटी। मैंने सेटिंग चेंज किया है अभी, पहले जो मैंने कैसे कैमरा चालू किया था और डायरेक्टली मैंने ब्लॉग चालू कर दिया था, कैमरा चालू कर दिया था क्वालिटी चेक करने के लिए, लेकिन मैं भूल गया था कि ये कैमरेज में सेटिंग और होती है, हम लोग अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि मैं डायरेक्टली ये कैमरा आते साथ तुम लोग को अच्छी क्वालिटी सर्व नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी सीखना पड़ेगा, 10-15 दिन मेरे जाएंगे ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते, तब जाके मैं सेट होऊंगा और मेरा कैमरा सेट होगा और मैं आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का वीडियो दे पाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा इधर उधर होगा, समझ के लेना, मैं भी समझ के ले रहा हूँ,